ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। अब पता नहीं इस समय प्रो रेसलिंग के अंदर चल क्या रहा है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे बड़े सुपरस्टार्स हैं जो कि इनएक्टिव चल रहे हैं, फिर चाहे वो इंजरी कंसर्न हो या फिर कोई भी दूसरी प्रॉब्लम हो। लेकिन फिलहाल मेरे पास आपके लिए इस वीडियो में गुड न्यूज़ है, जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं चार ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में जो कि आपको बहुत जल्दी रिंग में कम्पीट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और इनका रिटर्न आप लोग कह सकते हैं एक बड़ी थिंग बन सकती है प्रो रेसलिंग के अंदर। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। अब गाइस, इससे पहले कि मैं वीडियो के मेन टॉपिक पर आऊँ, अगर आप उन लोगों में जिनको नहीं पता कि 24 अगस्त 2019 को क्या होने वाला है, तो आपको पता है ये डेट हमारे चैनल के लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। इसी डेट को हम लोगों ने चैनल स्टार्ट किया था और लास्ट ईयर मैंने इसी दिन फेस कैम किया था, तो इस बार भी काफी बड़ा एक स्पेशल प्लान है और वो चीज पहली बार मैं चैनल के ऊपर अनाउंस करने वाला हूं। तो बस एक्साइटेड रहो इस डेट के लिए, और मुझे पता है आप लोग अपना पूरा सपोर्ट करने वाले हो। अब बिना किसी देरी के अपने सबसे पहले सुपरस्टार की तरफ बढ़ते हैं जिनके बारे में गुड न्यूज है, और ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महाल है। तो जिंदर महाल के बारे में आप में से काफी सारे लोग क्वेश्चंस करते हो, इवन मैं चैनल के ऊपर बताया हुआ, लेकिन शायद आपने अपडेट्स को मिस किया था। तो यहाँ पर अब जो न्यू अपडेट आई है जिंदर महाल के बारे में वो ये कि सबसे पहले तो उनको नी में प्रॉब्लम हो गई थी, उनकी सर्जरी करवानी पड़ी, लेकिन रिसेंटली सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू खुद जिंदर महाल ने इस बात को कहा है कि अब उनका जो नी है, अब उनका जो घुटना है वो वैसे मूवमेंट कर रहा है जैसा उसने पिछले कुछ टाइम में काफ़ी टाइम से नहीं किया था। मतलब जो स्टेप है जिंदर महाल के वो अब आगे बढ़ने लग गए हैं और वो पूरी तरह से अपनी रिकवरी कर सकते हैं, करने वाले हैं और कर भी रहे हैं, जैसे कि आप लोग इस फुटेज के अंदर भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि या तो 2019 के एंड तक या फिर 2020 की अर्ली स्टार्टिंग में हमें जिंदर महाल WWE में अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइस, आपको एक गुड न्यूज़ और भी दे दूं कि जिंदर महाल ने WWE के साथ एक मल्टी ईयर की कॉन्ट्रैक्ट डील भी साइन कर ली है, जिसका मतलब कि आने वाले सालों में जिंदर महाल का जो होम है वो WWE रहने वाला है। और अगर आप लोग उनके फैन हैं तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। अगले सुपरस्टार की तरफ बढ़ते हैं जो कि है रेटेड आर सुपरस्टार एज। तो समर स्लैम के बाद मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि जो एज की अपीयरेंस हमें देखने को मिली, जो उनका स्पीयर था, वो सिर्फ एक वन टाइम थिंग है। ऐसा नहीं है कि एज का जो है रिटर्न होने वाला है और WWE ऑब्वियसली उन्हें करने भी नहीं देगी, लेकिन यहाँ पर एज का कुछ और ही मानना है। उन्होंने अभी भी यहाँ पर इस बात को तो कहा कि WWE अलाउ करती है, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर उनसे कहा जाए तो वो कल ही रेसल करने चले जाएंगे। मतलब सेम टू सेम जो चीज़ डैनियल ब्रायन के साथ थी आज से कुछ साल पहले, वही सेम चीज़ एज के साथ है। एज को भी लगता है कि उनके डॉक्टर्स ने कहा है कि वो कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन WWE का मेडिकल स्टाफ शायद उन्हें अलाउ ना करे, जैसे हमने डैनियल ब्रायन के साथ देखा था। तो अगर सीधा सीधा डैनियल ब्रायन की स्टोरी पे ही या फिर उनके ट्रैक पर चल पड़ते हैं एज, तो पॉसिबली हमें एज एक बार फिर से रिंग के अंदर कम्पीट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और मुझे पता है ये आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए कितनी बड़ी चीज़ होगी, जो पहले से WWE को देखते हुए आ रहे हैं वो एज के बहुत बड़े फैन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर WWE के मेडिकल स्टाफ ने यहाँ पर अलाउ कर दिया एज को, तो वो हमें बहुत जल्दी WWE के रिंग के अंदर कम्पीट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। एज तो यहाँ पर पूरी तरह से होप अपनी बनाए हुए हैं और वो डेफिनेटली WWE के सामने भी इस बात को रखेंगे। तो देखते हैं जो एज की वन टाइम वाली थिंग थी, क्या वो बदल जाती है फुल टाइम में, और क्या वो हमें कुछ मैचेस रेसल करते हुए दिखा देते हैं WWE के अंदर। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है कि एज ने एटलीस्ट यहाँ पर कुछ ऐसा कहा है जिससे होप जग गई है कि क्या पता वो हमें फिर से रेसलिंग रिंग के अंदर कम्पीट करते हुए दिखाई दें। अगले सुपरस्टार की तरफ बढ़ते हैं तो ये हैं कैल्टिक वॉरियर शेमस। अब शेमस के बारे में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे बातें होती हैं, शुरू में ये पता लगा कि अब वो रिटायर हो जाएंगे, उनका रेसलिंग से जो है अब पूरा नाता टूट जाएगा, वो रेसल नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद पॉजिटिव अपडेट्स आए जैसे हमने उनके वर्कआउट्स देखे। ऐसा देखकर कहीं भी नहीं लगा था कि शेमस को कोई कंसर्न है। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि एज के जो भी कंसर्न थे वो 100% फिट हो चुके हैं, अब उनके साथ ऐसा कोई भी इशू नहीं है। और एज ने यहाँ पर खुद इस बात को रिवील किया कि वो WWE के रिंग को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि WWE के बाहर भी काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि अच्छी हैं, लेकिन फिर भी वो रेसलिंग रिंग को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि WWE बस यहाँ पर शेमस के लिए कोई परफेक्ट टाइम ढूंढ रही है कि उन्हें स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व किया जाए, और उसके बाद हमें शेमस का रिटर्न एक बार फिर से WWE के अंदर देखने को मिल सकता है। और क्या पता वो नए करेक्टर में हो, किस तरीके से हो, ये सारी बातें एक क्वेश्चन रहेंगी जब तक कि शेमस सच में अपना रिटर्न नहीं कर लेते WWE के रिंग में। बस यहाँ पर वेट है कि कब WWE को ऐसा लगता है कि शेमस के लिए परफेक्ट टाइम आ चुका है उनके रिटर्न का WWE के रिंग में। नेक्स्ट इन हमारे इस वीडियो के फाइनल सुपरस्टार की बात करें तो ये है द बिग गाय रायबैक। अब रायबैक के बारे में भी आप में से काफी सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हो कि भाई वो रेसल अप क्यों नहीं करते, वो सिर्फ पॉडकास्ट के अंदर क्यों आते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ चैनल के ऊपर कि उनके बैक में बहुत ही ज्यादा इशू था, और अब फाइनली 100% रायबैक भी हो चुके हैं फिट, और ये बात खुद ही उन्होंने रिवील कर रही है कि उनके बैक में जो डिस्क वाली प्रॉब्लम थी या फिर उनके शोल्डर के साथ जो भी कंसर्न था, अब वो पूरी तरीके से हील हो चुके हैं। उनकी एक ट्रीटमेंट भी होती है जिसके बाद अब रायबैक फुल्ली तरह से फिट हो चुके हैं और वो तैयार हैं रेसल करने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि रायबैक का होम कौन सा बनेगा, वो कहाँ पर रेसल करेंगे। अब सबसे पहले तो नाम हमारे दिमाग में ऑब्वियसली WWE का ही आएगा कि अगर वहाँ पर आ जाते, अब उसके बारे में तो हम लोग कुछ भी 100% कन्फर्म होकर नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी WWE के अलावा भी और काफ़ी सारे प्लेस हैं रायबैक के लिए, जैसे कि इंडी शोज के अंदर, ऑल एलिट रेसलिंग के अंदर, और मुझे लगता है AEW ज़रूर अप्रोच करेगी
रायबैक को क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है ऑलरेडी WWE से। और बाकी WWE की बात करें तो हाँ, फ्यूचर में हमेशा उनके लिए डोर तो ओपन ही रहेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके रिलेशन WWE से बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इतना यहाँ पर कन्फर्म है कि आने वाले कुछ टाइम में बहुत ही जल्दी हमें रायबैक एक बार फिर से रेसलिंग रिंग के अंदर अपनी वापसी करते हुए दिखाई देंगे। तो गाइस ये थे कुछ ऐसे सुपरस्टार्स, कुछ आपके लिए गुड न्यूज़ की, जो सुपरस्टार हमें बहुत जल्दी रिंग को हिट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि इनमें से किस सुपरस्टार को आप लोग बेसब्री से देखना चाहते हो रेसलिंग रिंग के अंदर। वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक किए बिना कहीं मत जाना। इसके अलावा आप लोग कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।